20 tests on one day. India, England, Australia. What a player, what a player, what a player. Hello and welcome back to What a Player Concussion Sub-Series Fantasy Section, जहां इस बार हम आपको छोटा सा प्रीव्यू देंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान, तो दो टेस्ट मैच होने वाला है उसका, और आपको फैंटेसी टिप्स देंगे फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच बीइंग प्लेड और विल बी प्लेड इन किंगस्टन सबाइना पार्क जमैका। हमारे साथ है विशाख, सुमन और आकाश। रिमेम्बर जो चार T20 आई सीरीज थी वो 1-0 पाकिस्तान ने जीता, बिकॉज तीन जो मैचेस थे वो बारिश के नाम चढ़ गया। इंडिया का भी जो टेस्ट मैच था पहला, वो भी बारिश की वजह से पूरा ना हो पाया। देखते हैं इस टेस्ट मैच में होपफुली बारिश नहीं आएगी। बट हाउ आर वी गाइस, सुमन, आकाश, विशाख, कैसे हैं हम? फर्स्ट क्लास, ऑल गुड। संजय, ग्रेट। संजय, एक्सीलेंट। टेस्ट मैच का सीजन चल रहा है, इंडिया इंग्लैंड पे खेल रही है, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। क्या लगता है आपको, what are the things to look forward to? ये साल काफी different है, because World T20 पे सबकी नजरें हैं, 6-8 हफ्तों में World T20 शुरू होने वाला है। क्या लगता है आपको विशाख? World T20 अलग है, और ये सीरीज एक्चुअली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो लोग ये इसको भी सीरियसली लेंगे, और ये दो साल में एक्चुअली हैव टू प्ले द WTC फाइनल्स एज़ वेल, सो एवरी मैच इज क्रूशियल फॉर एवरी टीम, तो हर टीम जीतने के लिए खेलेंगे और प्लेयर विल प्ले विद द बेस्ट टीम। तो T20 इज समथिंग डिफरेंट, बट नाउ ईच फॉर्मेट हैज गॉट इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्योंकि ODI में भी आपका लीग है जिसमें आप जीतते जीतते आप वो लीग में ऊपर आएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप में, और वैसे भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी उतना इम्पोर्टेंट है। सो नाउ ऑल तीनों फॉर्मेट को थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। यू कैन नॉट फोकस ऑन वन चैंपियनशिप बिकॉज सम वर्ल्ड कप इज कमिंग अप, so that is nice, and this will be a very important series for both the teams. So dekhenge ke, aur ye dusra hi series hai jis world test championship mein, pehla series tha india england aur ye dusra series hai, so interesting ho gaya, kafi important hai pakistan ke liye। I remember jab bhi world test championship ka cycle aaya tha to log keh rahe the ki the only way indian pakistan can play is if both of them qualify for the finals, aur jab jo schedule ke hisab se it doesn't look like far-fetched, it's not unlikely that it may not happen, because Pakistan ki kafi home series bhi hai, ye kafi important hai Akash, mujhe lagta hai ye do test match jeet gaye to they would want to have their potential participation in World Test Championship final. Definitely, agar aap dekhenge unke schedule ko, they are touring more weaker opponents than they are getting more stronger opponents back home, so if they can run through these overseas matches, I think they have a very good potential to make it to the World Test final. Not sure about us as yet, but at least Pakistan should be able to make it to the finals of 2 years down the line. ठीक है, तो सीधे हम क्या करते हैं, फैंटेसी टीम देखते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए जो शुरू होने जा रहा है 12 अगस्त से। सुमन हमको बताएंगे बैट्समैन और विकेट कीपर क्या चूज किए हैं। श्योर, सो ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान से शुरुआत करते हैं, फिर क्रेग ब्राथवाइट जो वेस्ट इंडीज के टेस्ट कप्तान हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, बाबर आजम जो उन्होंने T20 में ज़बरदस्त फॉर्म किया था, और ऑलमोस्ट विराट कोहली ऑफ पाकिस्तान है, सो ज़रूर लीजिए उनको, और फवाद आलम जिनका टेस्ट रिकॉर्ड बेहतरीन है, उनका बैटिंग स्टाइल थोड़ा यूनिक है बट फॉर श्योर रन लाएंगे। सो ये टॉप ऑर्डर से अगर आप जाएंगे तो फॉर श्योर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बटोरने के चांस मिल जाएंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हम तीन ऑलराउंडर्स लिए हमने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, एक है रोस्टन चेस, जेसन होल्डर जिनको हमने कैप्टन बनाया है, और काइल मिलर्स। ऑल थ्री ऑफ देम आर वेस्ट इंडीज़ के मिडल ऑर्डर बैट्समैन। टॉप ऑर्डर बैट्समैन थोड़े वीक है वेस्ट इंडीज़ के, एंड पाकिस्तान हैव द स्पेस बॉलिंग अटैक टू गेट द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ द, सो हमने मिडल ऑर्डर बैट्समैन चूज़ किया है जो दोनों बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकता है, स्पेशली जेसन होल्डर जो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी है और थ्रू आउट द टेस्ट मैच बॉलिंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। और एक ऑलराउंडर है पाकिस्तान की तरफ से नौमान अली, उनके अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10% लोगों ने चूज़ किया है उनको, लेकिन कंसिडरिंग कि वेस्ट इंडीज़ के पिचेस आजकल बहुत धीमे खेल रहे हैं और स्पिन ले रहे हैं, हमने उनको चूज़ किया है, पाकिस्तान की तरफ से हमने दोनों स्पिनर्स को चूज़ किया है,
So Noman Ali is a very good dark horse for you. Coming to the bowlers, Kimar Roach, top gun bowler for West Indies. पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी उतना खास नहीं है, तो एक्सपेक्ट कीजिए कि केमार रोज थोड़े बहुत विकेट्स ले लेते हैं। और दो बॉलर्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, हसन अली जो धमाकेदार बॉलिंग करते हैं टी ट्वेंटीज में, लेकिन रिसेंटली उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी काफ़ी हद तक अच्छी बॉलिंग की है और उनका बल्ला काफ़ी हद तक अच्छा चलता भी है, तो उनको ज़रूर लीजिएगा। यासिर शाह को हम वाइस कैप्टन बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि वेस्ट इंडीज़ में आजकल पिचेस थोड़े बहुत धीमे खेल रहे हैं और जहाँ पर भी थोड़ा बहुत टर्न मिल जाता है यासिर शाह अपना कमाल दिखा देते हैं। वेस्ट इंडीज स्पिन उतना खास खेलते नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यासिर शाह एटलीस्ट एक इनिंग्स में 5 विकेट जरूर लेंगे, इसलिए हम उनको वाइस कैप्टन बना रहे हैं। आकाश, आपने बोला था कि वेस्ट इंडीज का पिच आजकल थोड़ा स्पिन के लिए हेल्प कर रहा है, मगर एक नोटेबल ओमिशन है उसके बाद, आप देखोगे तो रहकिन कॉनवर जो अच्छे स्पिन बॉलर है बैटिंग भी कर लेते हैं, तो He can definitely be a wild card. अगर आप चाहे तो काइल मेयर्स के जगह पे कॉनवर को जरूर खिला सकते हैं, लेकिन काइल मेयर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और वो बॉलिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक, तो इसलिए हमने उनको प्रेफर किया है, लेकिन कॉनवर इज अ वेरी गुड बैटर एज वेल, ही कैन डेफिनेटली प्ले इन प्लेस ऑफ काइल मेयर्स। और ये शाहीन शाह अफरीदी नहीं है इस टीम में, आकाश या सुमन एक और नोटेबल ओमिशन है मोहम्मद अब्बास जो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए, तो भी एक नोटेबल ओमिशन मोहम्मद अब्बास और शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को वाइल्ड कार्ड रख सकते हैं क्योंकि फास्ट बॉलर है लेफ्ट हैंड और वेस्ट इंडीज प्रोबेबली उनको पहले नहीं खेले हैं वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर रहेगा, सो वाइल्ड कार्ड लगा सकते हैं अकॉर्डिंग। और ये यासिर शाह तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आने चाहिए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पिक हो सकती है, हर बार वो विकेट चटकाते हैं। आकाश आप कुछ कहने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, तो मोहम्मद अब्बास का ये कमबैक सीरीज है, तो उनको ड्रॉप किया गया था बीच में, तो हम सिंस पिच में ज़्यादा स्विंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और मोहम्मद अब्बास पर्टिकुलरली स्विंग बॉलर है, तो हम उनको नहीं खिला रहे। हसन अली का बैटिंग स्किल्स भी है, तो शायद वो ज़्यादा पॉइंट्स देंगे। यहाँ पे ये मैटर नहीं करते कि कौन ज़्यादा विकेट्स लेता है या फिर कौन सा टीम जीतता है, कौन ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है आपको ये मैटर करता है, तो हम सोच रहे हैं कि हसन अली मोहम्मद अब्बास से ज़्यादा पॉइंट्स देंगे। ऑलराउंडर्स जैसे अब ये टेस्ट मैचेस में तो टाइम का तो कोई चक्कर है नहीं, जैसे नोल्डर तो डबल 100 भी लगा चुके हैं, आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं, बट हाँ हु नोस, बाबर आजम भी बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं, उनका बल्ला चल गया तो ये भी काफ़ी रन बनाएंगे और 200-250 रन भी बना सकते हैं ये। जाते जाते एक क्विक प्रेडिक्शन फॉर द मैच इन द सीरीज, स्टार्टिंग विद यू सब सुमन, क्या लगता है? बारिश होने की संभावना है, प्रोबेबली एक दो दिन का इम्पैक्ट होगा, but Pakistan has an upper hand, West Indies has a lot to catch up, so lagta hai Pakistan jeetega series।